हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आजकल हर तरफ मनी हाइस्ट या कहे तो लकास दे पापेल का ही हल्ला चल रहा है। 2 अगस्त को ट्रेलर रिलीज के बाद दुनिया भर के लोग अपनी ही जबरदस्ती की थ्योरीज पेल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अनोखी थ्योरीज आपके सामने पेश करूं विद सम पुख्ता सबूत, और कुछ पॉपुलर थ्योरीज की भी ब्रेक डाउन करूंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। I told you I was gonna kill you. So, पार्ट 4 के एपिसोड 6 में जैसे ही नैरोबी मरती है तभी सीन स्विच होता है और वो एक गार्डन में लेटी हुई दिखती है। हम देखते हैं कि वहां पे ऑस्लो, मॉस्को और बर्लिन भी लंच एंजॉय कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वही जगह है जहाँ पे डेनवर, हेलसिंकी और प्रोफेसर भी पार्ट 4 के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ही लंच कर रहे थे। सो ये बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से ईस्टर एग के जरिए हमें दी गई है, या कहे तो राइटर्स और क्रिएटर्स ने एक छोटा सा हिंट दिया है कि आगे किसकी डेथ हो सकती है। सो ये बात कही जा सकती है कि डेनवर, हेलसिंकी और प्रोफेसर की मौत हमें आगे आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। टोक्यो एज अ नैरेटर की थ्योरी सबसे पुरानी और सबसे फेमस है। ऐसा कहा जा रहा है कि टोक्यो ही अकेली वो मेंबर है जो बच जाती है और बाकी सब मर जाते हैं। वो ये सब नैरेशन अपने प्रिजन सेल से बैठे हुए कर रही होगी। बट यहां मेरी एक थ्योरी है जो इससे थोड़ी डिफरेंट है और आपको पसंद आएगी। टोक्यो किसी तरीके से पकड़ी जा चुकी होगी और जजेस के पैनल के सामने अपनी टेस्टिमनी दे रही होगी जैसे लिस्बन ने किया था, और इसका फायदा उठा के बाकी के सब वहां से भागने में कामयाब भी हो सकते हैं, और यही होगा ऑल फेमस पेरिस प्लान। तातियाना का इन्वॉल्वमेंट हमने जितना अभी तक देखा है उससे ज्यादा ही होने वाला है इस प्लान में। बर्लिन की थर्ड वाइफ तातियाना का फ्लैशबैक हम पूरे पार्ट 4 में देखते हुए आ रहे हैं, और उसे अभी प्रेजेंट टाइम में किसी ने नहीं देखा है, तो इतनी कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद उसका इन्वॉल्वमेंट तो वाइटल ही होगा इस शो में। और जैसा कि प्रोफेसर को हमेशा डर था कि तातियाना ही उसे बिट्रे करेगी, ये बात उल्टी हो जाएगी और वही उन्हें बचाएगी। एक गोल्डन थ्योरी भी आजकल बहुत हाइप में है कि जो गोल्ड उन्होंने चुराया है वो लोग उसका यूज करके एस्केप कर जाएंगे। गोल्ड को वो बाहर लोगों पर फेंक के केओस क्रिएट करेंगे, और इसी का फायदा उठा के वो डाली मास्क पहन के वहां से भाग जाएंगे। और इसीलिए नैरोबी ने पूरे गोल्ड को मेल्ट करके उसके छोटे छोटे नगेट्स बना दिए हैं कि वहां से उन्हें भागने में आसानी हो और वो उसे हवा में उड़ा सकें। तो क्या ये सही में ऐसा करेंगे? हो सकता है और नहीं भी। इस बार उनका मेन पॉइंट है किसी तरीके से रियो को बचाना, ना कि चोरी करना। बट उनका ये गोल्ड चोरी करने का प्लान वो मिक्स करके शायद से चोरी सक्सेसफुल भी हो जाएगी। और यहाँ पे एक कैरेक्टर भी हमें एकदम से इग्नोर नहीं करना चाहिए जिसके बारे में सब भूल गए हैं, मनीला के फादर बेंजामिन को, जिसे पार्ट 4 के एपिसोड 7 में प्रोफेसर ने पेरिस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए याद किया था। सो इस सीजन हम उसे जरूर देख पाएंगे एक वाइटन रोल में। कुछ लोग कहते हैं कि अलीसिया ही तातियाना है, और कुछ कहते हैं कि वो प्रोफेसर के साथ मिल जाएगी, पर यहाँ पे मुझे जितना लगता है कि शायद तातियाना और अलीसिया रिलेटेड हों, और अलीसिया को भी सारा प्लान पता होगा। जैसा कि अलीसिया की नौकरी जा चुकी है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, तो भलाई इसी में है कि वो प्रोफेसर के साथ मिल जाएगी जैसा लिस्बन ने किया था। बट ये थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा और ऐसा शो रन करना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक बात रही अलीसिया ही तातियाना है, तो वो शायद सही भी हो जाए, क्योंकि लास्ट में अलीसिया का बेला चाओ इस पे काफी इफेक्ट डालता है। अटूरो रोमान इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन टीवी इंडस्ट्री। उसे देख के मेरा ही नहीं बल्कि बहुतों का खून खौलता है, और वो सब यही चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि उसने बहुत काम बिगाड़े हैं और इरिटेट तो किया ही है वो सबको। सो मुझे लगता है कि वो इस बार तो पक्का मारा जाएगा। दूसरा हेटेड कैरेक्टर है जो पार्ट 4 में ही आया है, वो है गांडिया।
नैरोबी को बेरहमी से मारने के बाद उसे कैप्चर कर लिया गया है और वो अब टॉर्चर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि उधर दूसरे साइड प्रोफेसर को पकड़ा जा चुका है, तो यहाँ पे गांधीया का यूज पेरिस प्लान के लिए किया जा सकता है और शायद उसे यूज करके प्रोफेसर को बचाया जा सके। अब इनमें से क्या सच है क्या झूठ, वो तो हमें सीजन 5 आने के बाद ही पता चलेगा। सो आपकी क्या राय है और आपकी क्या थ्योरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाओ।